नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक इन्फोटेनर में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में रामायण की कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहे हैं जिसको यदि आप अपने जीवन में अपना लें तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। रामायण में बताए गए कुछ गुणों को अपना कर और कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर मर्यादा और अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। इससे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण से हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखकर खुद के जीवन में अच्छी बातें शामिल करनी चाहिए। इससे जीवन का स्तर बढ़ता है, साथ ही अच्छे गुणों के प्रभाव से हर काम में सफलता मिलती है। इसके अलावा मानसिक तनाव से भी बचे रहेंगे और परेशानियों से भी दूर रहेंगे। आइए जानते हैं वो कौन सी चार बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप सफल हो सकते हैं। पहली बात है विविधता में एकता। विविधता में एकता रामायण की सबसे बड़ी सीख है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनकी सेना में सभी तरह के लोग थे। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक सभी मौजूद थे। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का साथ दिया। इसके अलावा राजा दशरथ के चार बेटे थे और सभी के चरित्र अलग अलग थे, लेकिन उनमें फिर भी एकजुटता थी और यही चीज़ हर परिवार को दुख के समय से बाहर निकालने में मदद करती। दूसरी बात जो हम रामायण से सीख सकते हैं वो है परस्पर प्रेम भाव। प्रभु श्री राम के सभी भाइयों में प्रेम था। ऐसे प्रेम में लालच, गुस्से या विश्वासघात के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ वनवास काटते रहे। वहीं दूसरी तरफ भरत ने राजगद्दी के मौके को अपने बड़े भाई के लिए ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी बात जो हम रामायण से सीख सकते हैं वो है मर्यादा और अनुशासन। भगवान श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासनपूर्ण था। उन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाया। प्रभु श्री राम के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, चौथी और हमारे इस वीडियो की अंतिम बात जो हम रामायण से सीख सकते हैं वो ये है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार। भगवान राम का व्यवहार बहुत ही विनम्रतापूर्ण था। सभी के प्रति सम्मान का भाव था जो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। हमें पद व उम्र के भेदभाव के बावजूद सबसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के प्रति प्रेम और दया भी हमारे मन में होनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो और बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।